हेलो दोस्तों, अगर आप टिकटॉक या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि 6 फरवरी से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दिखाई पड़ता है कि कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े हैं और एक एम्बुलेंस खूब तेज़ी से निकलती हुई चली जाती है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप दोस्तों 6 फरवरी से एक वीडियो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रही है, तो पूरा मामला ये है दोस्तों की एक 40 दिन की बच्ची है जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट होना था, जो कि मैंगलुरु के मुल्लूर हॉस्पिटल में हो रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ इमरजेंसी केस हुआ कि डॉक्टर को लगा कि इन्हें बेंगलुरु के जयदेवा हॉस्पिटल सेंटर सेटल करना चाहिए जहां इनके हार्ट का इलाज अच्छे से हो सके। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी यह थी कि मेंगलुरु से बेंगलुरु का डिस्टेंस 356 किलोमीटर का था, जो कि एक एम्बुलेंस को कम से कम 7 से 8 घंटे लगते। तो एक एम्बुलेंस को तैयार किया गया और जिसके ड्राइवर हैं हनीफ ब्रांजा। हनीफ ब्रांजा ने कहा कि मैं इस दूरी को कम समय में तय तो कर लूँगा, लेकिन मुझे 0 ट्रैफिक चाहिए। इसी को देखते हुए कर्नाटक पुलिस और वहाँ के लोगों ने पूरा साथ दिया और हनीफ ब्रांजा ने एम्बुलेंस को 4 घंटे 20 मिनट में जयदेवा हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वो भी पूरी सावधानी के साथ। और पब्लिक का यह कहना है कि हनीफ ब्रांजा को अवार्ड से सम्मानित किया जाए क्योंकि उन्होंने इंसानियत की मिसाल दी है। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो की सच्चाई। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान से दुआ मांगे कि बच्ची जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद। जैन।